हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल, मिरर फॉर्मूला। सर, ये मिरर फॉर्मूला क्या है और ये डायग्राम क्या है, ये दोनों सर थोड़ा हमें समझाइए। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, तो ये पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन पे चलता है। आप इसको क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। इसको मैंने बताया था ना, क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। मान लो ये वाली जो लाइन है, ये क्या होगी आपकी, ओरिजिन लाइन होगी। ये क्या होगी, इसको क्या मान लेते हैं अपन, ओरिजिन मान लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ऑरिजिन। तो इसके इधर वाले सारे मैंने क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए। इससे उधर वाले मैंने क्या ले लिए, पॉजिटिव। जैसा मैंने आपको बताया था, इससे इधर वाली चीजें हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। उधर वाली चीजें क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। और इससे ऊपर वाली चीजें हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। और इससे नीचे वाली चीजें हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। सर मतलब अभी भी नहीं समझ आया, मतलब मेरा क्या है, इधर देखो। मान लो हमें न्यूमेरिकल्स करना है, आपके जैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे हम वो देख। वो क्या बोलेगा, एक आपका कॉनकेव मिरर है। आपका क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमें अच्छे से पता है इधर क्या हो जाती है, पॉलिश हो जाती है। ये मेरी क्या हो गई, पॉलिश हो गई। और ये मैंने क्या बना लिया, अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मेरा क्या हो गया, फोकस। हमने तरह तरह के केसेस देखे थे, इसमें 6 टाइप ऑफ केसेस देखे थे। तो अगर मैं बोलूं मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इधर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सी। तो मुझे अच्छे से पता है इसकी जो इमेज बनती है, इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इधर बनेगी। उसकी इमेज कहां बनेगी, ये मेरी क्या बन गई, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, बिहाइंड द सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसकी इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी और एफ बनती है। तो अब क्या करेगा, वो क्वेश्चंस पूछेगा। कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, ये मेरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। वो बोल देगा कि मिरर से आपका ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे। मिरर से आपका ऑब्जेक्ट कहां है, 5 मीटर की दूरी पे। कहां पर रखा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां लिखा है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डिस्टेंस कितना दे दिया आपको, 5 मीटर दे दिया। तो पूछेगा फोकस, या तो फोकल लेंथ के बारे में पूछ लेगा, या पूछ लेगा इमेज डिस्टेंस के बारे में। क्या पूछ लेगा, इमेज डिस्टेंस। तो हिसाब से अगर मैं बोलूं भाई ये 5 मीटर है, लेट से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेरा क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। तो ये जो 5 मीटर है, मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगा, पॉजिटिव में लिखूंगा, या भाई दिख तो पॉजिटिव ही रहा है, बट क्वेश्चन करते टाइम मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कि इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, ओरिजिन। और इसे इधर वाली चीजें सारी क्या होती है, नेगेटिव। इससे इधर वाली चीजें क्या होती है, नेगेटिव। तो इस केस में क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, तो उसका डिस्टेंस भी मुझे 5। तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 ना रख के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -5 मीटर। क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 5 मीटर। बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों का क्या रखना है। और यही मुझे साइन कन्वेंशंस बताते हैं। तो साइन कन्वेंशंस का पूरा जो रोल है, वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में रखता है। आपको इमेज डिस्टेंस देगा, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख के फोकल लेंथ पूछ सकता है, आपको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस देख के आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ सकता है। तो वैल्यू पुट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा। तो कोई भी वैल्यू पुट करने से पहले आपको ये माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट है कहां पर, और उस अकॉर्डिंग आपको अपना कार्टेशियन प्लेन माइंड में बनाना पड़ेगा। और फिर देखना पड़ेगा क्या मैं वो वैल्यू पॉजिटिव रखूं या मैं क्या रखूं, नेगेटिव। जैसे इस केस में वो देगा 5 मीटर ही, बट आपको लेनी -5 है। क्यों, क्योंकि ये इसके इस साइड आ रहा है, इसके इस साइड, और इसके इस साइड क्या होती है, सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे मिरर फॉर्मूला की तरफ। तो मिरर फॉर्मूला क्या दे रहा है, 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वेयर f, ये जो मेरा f है, ये जो मेरा f है, ये f जो होता है, स्मॉल f, क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ। ये मेरा क्या हो गया, फोकल लेंथ। और ये जो मेरा u है, u मेरा क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये जो मेरा v है, ये मेरा v क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस। ये मेरा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या ध्यान रखनी है, ये तो लेफ्ट और राइट की बात होगी। ये आपका फोकल लेंथ है, तो ये आपकी फोकल लेंथ है। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के केस में जो मेरी फोकल लेंथ होती है, जो मेरी क्या होगी, फोकल लेंथ। क्योंकि फोकल लेंथ यहां आ रही है,
मेरी फोकल लेंथ क्या आ रही है, इधर आ रही है, तो फोकल लेंथ हमेशा अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं, अपन नेगेटिव लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी बात, अगर मैं किसकी बात करूं, चलो ये तो अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और अच्छे से देख लेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये जो मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। मतलब फोकल लेंथ ले लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लो या इमेज डिस्टेंस ले लो, इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं कि हम वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। और हमारा मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v + 1/u + 1/f। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे आपके क्या देगा क्वेश्चन, इसमें तीन चीजों की बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला क्या कह रहा है। हमारा मिरर फॉर्मूला तीन आ रहा है, एक तो आ रहा है वी, एक तो क्या आ रहा है वी, एक आ रहा है यू और एक क्या आ रहा है मेरा एफ। ठीक है, तो वी जो है ये किसकी बात करता है, इमेज डिस्टेंस की। ये किसकी बात कर रहा है, मेरी इमेज डिस्टेंस। ये मेरी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ हो गया मेरा फोकल लेंथ, ये क्या हो गया मेरा फोकल लेंथ। अब इसमें से कोई भी दो चीजें दे देगा आपको, ये दे देगा, ये दे देगा, ये क्या कर लेगा आस्क, ये क्या कर सकता है पूछ सकता है कितना हो रहा है। मतलब इन तीनों में से कोई भी दो की वैल्यू देके आपको तीसरी चीज वो पूछ लेगा, कोई भी दो वैल्यू देगा और तीसरी चीज पूछ लेगा। और आपको इस अकॉर्डिंग क्या रखना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अगर मैं एक एग्जांपल, अगर मैं क्या ले रहा हूं, एक एग्जांपल लूंगा, वो क्या बोलेगा कि इन अ कॉनकेव मिरर, इन अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले तो आपको मिरर का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा मिरर दे रहा है, कॉनकेव मिरर दे रहा है या कौन वैक्स मिरर दे रहा है। तो क्या बोलेगा, इन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 meters एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज 2 meters, देन फाइंड द डिस्टेंस, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, आपको फोकल लेंथ दे दी, आपको क्या दे दी फोकल लेंथ दे दी, और क्या पूछ लिया इमेज पूछ लिया। ठीक है, तो मतलब क्या कि आपको एफ दे दिया, आपको यू दे दिया और आपसे वी पूछ लिया। तो इसमें वैल्यू पुट करो और हम आराम से निकाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और इजिली हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, होप आपको मिरर फॉर्मूला समझ आया होगा। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, मैग्निफिकेशन। सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का ये मतलब होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको वो मिरर, भले ही वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, वो कितना बड़ा या छोटा करके दिखाता है। अगर एक नॉर्मल साइज से उस ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनती है, वो इमेज कितनी बड़ी या छोटी है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन छोटा भी होता है, मैग्निफिकेशन आपका बड़ा, दोनों को दर्शाता है। तो ये क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of an object magnified with respect to object size. Object size से जो image है वो कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी, कितना magnified हो रहा है, उसको कौन दिखाता है, magnification दिखाता है। और magnification निकालने के लिए आपसे सीधा सीधा question पूछता है, आपसे क्या करेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तो दो फॉर्मूले याद रखने, एम पहले तो याद रखना, मैग्निफिकेशन डिनोट किससे करते हैं, तो एम से। मैग्निफिकेशन डिनोट किससे हो रहा है, एम से। और आता क्या है फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी ये क्वेश्चन में आपको गिवन देगा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन देगा, जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे इन फॉर्मूलाज का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जब भी मैग्निफिकेशन निकालना हो, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, और एक किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो क्या शो करेगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस और इमेज के साथ लिंक करवाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं किससे लिंक करवाना चाह रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है,
तो उसका क्या होता है, तब ये होता है, क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, मतलब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले। अगर मैं किसकी बात करूं, एम क्या है मेरा मैग्निफिकेशन, अगर मैं इसको हाइट से रिलेट करूं, अगर मैं किससे रिलेट करूं, हाइट से, ठीक है, किससे रिलेट करूं, हाइट से, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला मेरा क्या आता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको डिस्टेंस के साथ लिंक करूं, किसके साथ लिंक कर रहा हूं, डिस्टेंस के साथ लिंक करूं, तब इसका फॉर्मूला क्या आता है, तब इसका फॉर्मूला आता है माइनस, माइनस तो आएगा और यहां पे क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन दो फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आपको हाइट साइज बोल रहा है कि 5 मीटर है, 3 मीटर है, तो आप इस वाली चीज का यूज कर लो। तो होप आपको मैग्निफिकेशन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं एक छोटा सा नोट, छोटा सा नोट क्या बोल रहा है, अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, एंड द पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज वर्चुअल। इसका क्या मतलब है भाई, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, किसको कैलकुलेट किया मैंने, मैग्निफिकेशन को, किसको कैलकुलेट किया, मैग्निफिकेशन को, जो कि मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या था भाई, हाइट भी थी, मतलब क्या था, एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू, इस फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्मूले से मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अगर मेरे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर मेरे मैग्निफिकेशन की क्या बोल रहा हूं मैं, वैल्यू, ठीक है, जो भी या मेरा आंसर आया वो किस में आया है, वो किस में आया है, मान लेते हैं अपन वो अगर आया है आपका नेगेटिव आंसर, मतलब कैसा आया आपका नेगेटिव आंसर, कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। तो नेगेटिव क्या शो करता है कि जो मेरी इमेज है, नेगेटिव साइन मेरी क्या शो करता है कि जो मेरी इमेज है वो कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई है, आपकी पॉजिटिव आई है, कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तब आपका जो नेचर ऑफ इमेज है, तब आपकी जो नेचर ऑफ इमेज, तब आपकी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो, तो बेटा इस पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको क्या देता है, इमेज का डिस्टेंस देता है, आपको क्या देता है, ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस देता है, और पूछता है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा भाई, रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल या इरेक्ट है। तो जब भी आपके पास इमेज का डिस्टेंस हो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो तो, और नेचर पूछ ले, क्या पूछ ले, नेचर ऑफ इमेज पूछ ले, तो हमेशा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ और आंसर को क्या करो, कैलकुलेट करो। और जो भी आपका आंसर आता है, नंबर से मतलब नहीं है, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या फिर मेरा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए कैसा नेचर शो हो रहा है, नेगेटिव के लिए नेचर कैसा हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड। मतलब मेरा नेगेटिव आंसर आते ही मैं सीधा क्या बोलूंगा, मेरा इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो मैं सीधा क्या बोलूंगा, मेरे इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो होप आपको ये वाली चीजें समझ आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव पे क्या दिखाता है और नेगेटिव पे क्या दिखाता है। होप आप इस चीज को याद रखोगे। अब अपन मूव करते हैं आगे, आगे मेरा क्या आता है, एक नया टॉपिक आता है, आगे मेरा क्या आता है, एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। अब तक हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। तो जब भी मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन से मैं क्या समझता हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मेरा मतलब क्या है कि अगर मेरा ये मिरर है, अगर मेरा क्या है, मिरर है, तो लाइट क्या हो रही है, अगर मैं लाइट बनूं तो मेरी लाइट आ रही है
और बाउंस बैक हो रही, लाइट आ रही है बाउंस बैक हो रही, लाइट आ रही है बाउंस बैक हो रही, तो इस फिनोमेना को तो अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उससे टकराई और वापस चली गई, उससे टकराई और वापस चली गई। बट लाइट एक फिनोमिना और शो करती है, एक फिनोमिना और शो करती है। वो फिनोमिना क्या होता है, वो फिनोमिना मेरा होता है रिफ्रैक्शन। वो मेरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन। वो फिनोमिना मेरा क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से मैं क्या समझता हूं, रिफ्रैक्शन मेरा सिंपली क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। जब भी एक लाइट मीडियम, मीडियम कैसे होता है, जैसे अभी अपन एयर है तो ये क्या मेरा मीडियम है, पानी, पानी मेरा एक अलग मीडियम है, ऑयल, ऑयल मेरा एक अलग मीडियम है, ग्लास, ग्लास मेरा क्या है, एक अलग मीडियम है। तो जब भी लाइट मान लो एयर से पानी में जा रही है, या एयर से ग्लास में जा रही है, या एयर से ऑयल में जा रही है, मतलब मीडियम का चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तब वो बाउंस बैक नहीं करती, तब वो बाउंस बैक नहीं करती, तब वो एक अलग फिनोमिना करती है, वो मुड़ जाती है, वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्रैक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन, व्हेन, क्या हम ऊपर देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, द फिनोमिना ऑफ लाइट बेंडिंग इन अ डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट का मुड़ जाना एक मीडियम के चेंज होने से, एक मीडियम के चेंज होने से, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन। और बाउंस बैक को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन। इसको हम यहां समझते हैं, मान लो ये मेरा मीडियम वन है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, हम रिफ्रैक्शन पे अच्छे से फोकस करते हैं। मान लो ये एयर है, मान लो मेरी क्या है, ये एयर है, और एयर को मैं क्या ले रहा हूं, मीडियम वन, एयर को मैंने क्या ले लिया, मीडियम वन, ये मेरा क्या हो गया, मीडियम एयर। और नीचे वाटर है, लेट से ये क्या हो गया मेरा वाटर, ये मेरा क्या हो गया वाटर, और इस वाटर को मैं क्या ले रहा हूं, मीडियम टू, क्योंकि ये मीडियम अलग है, मीडियम, मीडियम टू, एयर अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, ये मेरी क्या आ रही है, लाइट आ रही है, मैंने देखा ये लाइट आ रही है, ये लाइट मेरी आ रही है। जब तक एयर में चल रही थी तब तक तो ठीक है, जब तक एयर में चल रही थी जब तक तो ठीक है, जैसे ही मैंने देखा इस पानी की सतह पर टकराई, पानी की जैसे ही सतह पर टकराई, तो ये सीधी जाने की बजाय, ये ऐसे सीधी जाने की बजाय, ऐसे सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी बैंड होगी, थोड़ी सी क्या हो गई, बैंड होगी, थोड़ी सी क्या हो गई, बैंड, इतने एंगल पे क्या हो गई, ये बैंड होगी, ठीक है। तो ये जो बैंडिंग होती है एक मीडियम के चेंज करने से, इसी फिनोमिना को मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्रैक्शन। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है, जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है, तो बाउंसिंग बैक की बजाय वो बैंड हो जाती है, बाउंसिंग बैक की बजाय वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्शन। अब इसमें थोड़ी बहुत और चीज जाननी है भाई, इसमें मीडियम की भी बात करूं मैं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मीडियम की बात कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया, मीडियम, ठीक है। तो जो मीडियम होते हैं, जो मेरे क्या होते हैं, मीडियम, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक को बोलता हूं रेयर मीडियम, एक को मैं क्या बोल रहा हूं, रेयर, एक को मैंने क्या बोला, रेयर, आर ए आर, रेयर मीडियम, और एक को मैं बोलता हूं डेंसर मीडियम, डेंसर। दो टाइप के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम जहां पे पार्टिकल्स थोड़े खुले खुले, स्पेस है, लाइट्स आराम से ट्रेवल कर पा रही है, ठीक है। और डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल्स थोड़े से कॉम्पैक्ट है, पार्टिकल क्या है, थोड़े से कॉम्पैक्ट है। रेयर मीडियम में क्या होता है, मान लो ये मैंने मीडियम बनाया, ये मैंने क्या बनाया, मीडियम, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है खुले खुले होते हैं, यहाँ के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से ऐसे खुले खुले होते हैं। लेकिन अगर मैं डेंसर मीडियम को बना रहा हूं, मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, एयर के या किसी भी चीज के, वो थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं, ये क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम, ये मेरा क्या हो गया डेंसर मीडियम, ये मेरा क्या हो गया डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ मूव करती है, रेयर मीडियम से डेंसर, जैसा इस केस में ये इंसिडेंट रे, ये रेयर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है, तो लाइट की जो बेंडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल की तरफ होती है, नॉर्मल की क्या होती है, तरफ। मैं इसको समझाता हूं आराम से, मैंने क्या बोला, जब भी जो आपकी लाइट है या आपकी जो इंसिडेंट रे, आपकी क्या है, जो आपकी जो क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपकी जो इंसिडेंट रे है, ये जब भी मूव करती है, ये जब भी क्या करती है, मूव करती है, कहां से कहां तक, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम रेयर
टू डेंसर, मतलब रेयर से कहां की तरफ चल रही है, डेंसर की तरफ। तो हमेशा जो फिनोमिन होता है, आप हम क्या बोल सकते हैं, बैंड, ये जो बैंड करती है, ये जो बैंड होगा, ये बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये मैंने वापस बनाई लाइट, ये मैंने क्या बनाई वापस से मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी क्या होगी इंसिडेंट रे होगी। अब जहां पर भी ये बना है तो वहां पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक नॉर्मल ले लेता हूँ। भाई नॉर्मल क्या होता है, जो 90 डिग्री, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री, ये मैंने क्या ले लिया नॉर्मल, ये मैंने क्या ले लिया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है मेरा, फॉर्म्स 90 डिग्री विद सरफेस, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, ये मैंने क्या बना लिया 90 डिग्री। तो जो जो लाइट है मेरी, जो मेरी लाइट है, हिसाब से देखा जाए, हिसाब से देखा जाए तो जो बेंडिंग होगी ये इस नॉर्मल की तरफ होगी, इस नॉर्मल की तरफ होगी। ये जो बेंडिंग हुई है मेरी, ये बेंडिंग कहाँ हो रही है, नॉर्मल की टूवर्ड्स हो रही है। हिसाब से देखा जाए तो जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही थी, स्ट्रेट लाइन, ये देखा जाए तो एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एक्चुअल पाथ होना चाहिए। लेकिन फॉलो ये करिए, मतलब जो बेंडिंग हुई है, जो मेरी बेंडिंग हुई है, ये देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है, बेंडिंग का हुई है टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। होप ये वाली चीज आपको समझ आएगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मेरा क्या हो जाए उल्टा, अब जो लाइट है वो डेंसर से रियर की तरफ मूव कर रही है, डेंसर से मान लो रियर की तरफ मूव कर रही है। मान लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अगर मेरी इंसिडेंट रे, अगर मेरी जो मेरी इंसिडेंट रे, जो मेरी क्या है इंसिडेंट, अब मैं केस टू ले रहा हूं, मैंने क्या लिया केस टू। पहले केस में क्या था, रेयर टू डेंसर। केस वन में मेरा क्या था, केस वन में मेरा क्या था, जो लाइट चल रही है वो कैसे चल रही है, रेयर टू डेंस में चल रही है। तो इसमें हमने क्या देखा, बैंड, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन केस टू में मैं क्या देख रहा हूँ, केस टू में क्या देख रहा हूँ, जब मेरी इंसिडेंट रे, जब मेरी इंसिडेंट रे कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयरर। तो इस केस में जो बेंडिंग होती है, जो बेंडिंग होती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो मेरी बेंडिंग होगी वो कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। इसको वापस समझते हैं, मान लो इस बार जो मेरा मीडियम है, इस बार मैं ले लेता हूँ, ये मेरा मीडियम पानी ले लेता हूँ, मान लो ये वाला मेरा मीडियम क्या हो गया, पानी हो गया, ये मेरा क्या हो गया पानी ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया पानी। अब मैं बनाता हूँ लाइट, मान लेता हूँ मैंने ये बनाई लाइट, मान लो ये मेरी लाइट आ रही, ये मेरी क्या आ रही है लाइट, डेंसर आ रही, ये क्या आ रही है डेंसर, यहाँ पे स्ट्राइक होगी, थोड़े से मीडियम लिख लेते हैं अपन, ये मेरा क्या है वाटर, मीडियम वन, मीडियम वन जो कि क्या है वाटर, जो कि क्या है वाटर, और वाटर क्या होता है डेंसर, ये क्या हो गया डेंसर, ठीक है। और नीचे वाला क्या लेते हैं मीडियम टू, ये मेरा हो गया मीडियम टू, जो कि मेरा क्या है एयर, जो कि मेरा क्या है एयर, और एयर क्या होता है रेयरर, ये क्या होता है रेयरर, ठीक है। तो अब मेरी जो लाइट है वो डेंसर से कहाँ चल रही है, रेयर की तरफ चल रही है। तो वापस मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, ये मैंने क्या बनाया नॉर्मल, लेट्स से ये मेरा क्या हो गया नॉर्मल, यहाँ मैं क्या बना लेता हूँ नॉर्मल, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा हो गया नॉर्मल, ये मेरी होगी इंसिडेंट, ये मेरी होगी इंसिडेंट रे आई। तो अब जो रिफ्रेक्टेड आएगी, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इधर चले, या तो ये इधर चले, या फिर अवे। तो ये वाली जो लाइट है इधर चलने की बजाय, इधर चलने की बजाय थोड़ा सा ऐसे निकल जाती है, थोड़ी सी क्या निकल जाती है ऐसे। तो अगर इसका ओरिजिनल पाथ देखा जाए, इसका अगर मैं ओरिजिनल पाथ देखूं, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये आता है, इसका ओरिजिनल पाथ तो थोड़ा सा ये आता है, ये मेरा क्या आ गया ओरिजिनल पाथ आ गया। लेकिन इस बार जो बेंडिंग हुई है, इस बार जो कैसी हुई है बेंडिंग हुई, ये इस तरफ ना होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, कैसी हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, ये जो बेंडिंग हुई है कैसी हुई है अवे हुई है, अवे, ये क्या हुई है अवे, टूवर्ड्स नहीं हुई। तो ये दो केसेस आपको बहुत ध्यान रखने, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि अगर एक लाइट
रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम हल्का, डेंस मतलब भरा हुआ, अगर एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो किस तरफ बेंड होती है, तो कहां होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो कहां होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहां होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो दो फिनोमिना है इसको आपको ध्यान रखना, और ये जो बेंडिंग हो रही है, ये जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, ये जो बेंडिंग हो रही है, इसी को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होप आपको यहां तक समझ आया होगा, होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो आज की वीडियो हम इसी रिफ्रैक्शन टॉपिक पे खत्म करते हैं, और आने वाली वीडियोस पे हम अच्छे से और देखेंगे आने वाले टॉपिक्स। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इस रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज, जो हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हम ग्लास स्लैब से भी देखेंगे कैसे लाइट मूव कर रही है। तो होप आज के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे, ठीक है, और मैं आशा करूंगा आप घर पे इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।